लोगों की स्ट्रेटेजी दिख रही है, एक तो किचन में रहो या फिर जितना हो सके तुम लड़ाई करो। बिग बॉस भी कंफ्यूज रहता है और कंटेस्टेंट भी कंफ्यूज रहते हैं। वो लोग इस माइंड मेकअप से लाते हैं कि हम इससे ये करवा लेंगे और वो पता लगा पुतली मतलब फुस्सी बम निकल गया। और बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो भारी पड़ जाते हैं, तो चीजें ना उनकी निकल के आती है, उभर के आती है। तो शो में भी यही है, और वो टास्क आपको इसी हिसाब से देते हैं कि वो आपको फोड़ें तोड़ें, आपको और ज्यादा मजबूत करें। तो इस परिस्थिति में एक स्ट्रेटजी बना के आप नहीं चल सकते हैं, और मैं आपको लिख के देता हूं, आप गारंटीड ले लीजिए। और आप कभी शिल्पा शिंदे का इंटरव्यू लीजिएगा, ये उनकी स्ट्रेटजी नहीं थी किचन में रहने का, ये उनका कैरेक्टर था खाना खिलाने का। बिल्कुल, वो पिछले बार जीत गई शिल्पा जी, और वो एक इत्तेफाक था, और वो हमेशा किचन में थी तो, और रोटियों का मजाक बना, कभी कभी किसी का किसी चीज़ का मजाक बन जाता है और वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो लोगों को लगता है यार ये वाली स्ट्रेटजी हमारी काम कर जाएगी। जैसे प्रिंस की स्ट्रेटजी थी, वो लोगों के साथ बैठता था, बात करता था, नहीं ये उसका कैरेक्टर है, वो सच में प्यारा है, और आप एक प्यारे आदमी के पास बैठोगे तो अपनी बात निकाल ही दोगे, तो वो उसके लिए एक हथियार बन गया। ठीक है, मनवीर की तो कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, आपको मैं बताऊं बहुत सारी जगहों पर वो एकदम फेल्योर था, बहुत सारे जो टास्क थे वहां पे वो उस हिसाब का परफॉर्मर नहीं था, बट क्या है कि वो वक्त के साथ माइंड से मैच्योर हुआ। ठीक है, कहीं कहीं किस्मत ने उसका बहुत अच्छा साथ दिया। ठीक है, कहीं कहीं उसको बैकअप मिला। ठीक है, आप अगर बात कर रहे हैं फर्स्ट वीक में हमारे सीजन में, तो प्रियंका जग्गा लीड कर रही थी, बट वो आगे आगे बड़ाम हो गई, कई सारे टास्क में ऐसे ऐसे हुआ। तो इसमें सबकी मेहनत के बाद धीरे धीरे करके एक बंदा उभर के आया, और बाद में जो रहता है भाई शेर तो वही होएगा ना। आप घर के बाहर सोच के आएंगे कि हमको किचन में खाना बनाना है ना, भाई साहब आपका एक क्लिप भी ना दिखाएगा बिग बॉस जी, क्योंकि भगवान वही है। बिल्कुल, सीजन 10 का विनर कभी किचन में नहीं गया। मनवीर को मैं बता रहा, दोस्त है हमारा, कभी भी चाय भी नहीं बनाया उसने। या हो सकता है जब वो अकेला पड़ गया था ना, तो बाद के दिनों में उसने काम करना शुरू किया होगा। लेकिन सीजन जो 11 की विनर है वो सिर्फ काम 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 काम, तो वो केवल काम में। तो ये ना काम करना और काम नहीं करना इस स्ट्रेटजी का कोई हिस्सा नहीं है। कोई स्ट्रेटजी आप बना के ना घर में घुस सकते हैं, ना आप कुछ चीजें कर सकते हैं, क्योंकि जो सुपर बॉस है ना, जिसको बिग बॉस बोलते हैं, आपकी स्ट्रेटजी को तोड़ देता है।